हेलो एवरीवन, आज का वीडियो सैमसंग FRP के ऊपर है। सैमसंग FRP का अपडेट के ऊपर अनलॉक टूल में अब बहुत सारे सैमसंग के मॉडल्स सपोर्टेड हैं जो हम ऑनलाइन कराते थे। हाँ, अब भी बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं जो आपको ऑनलाइन कराना ही होगा, जैसे कि एक्जोनोस के बहुत सारे CPUs मॉडल हैं, वो सब ऑनलाइन ही हो रहा है। बहुत सारे ऐसा है कि सैमसंग Snapdragon का जो भी मॉडल आता था तो वो हम ऑनलाइन कराते थे, क्योंकि कोई भी टूल्स या उसमें अपडेट नहीं आता था। अगर टूल में अपडेट है तो वो ज़्यादा चार्जेस काटते थे। वही मॉडल अब आप अनलॉक टूल में फ्री में कर पाओगे। ये देखिए, अनलॉक टूल का लेटेस्ट अपडेट है 5.18, ठीक है। इसमें देखिए, अब सैमसंग A20S का मॉडल नंबर है A27F, bit 1 to bit 5। मतलब आप ये इसका FRP आराम से कर सकते हो, ठीक है। आपको याद रखना है 8207F मॉडल नंबर होगा तभी होगा। और उसका एक और है सैमसंग A20S का A207M, इसका सिर्फ bit 4 ही होगा, ठीक है। ये आप ध्यान में रखना कि मॉडल नंबर मैच करना ज़रूरी है। मॉडल नंबर आपको रिकवरी में मिल जाएगा, फ़ोन के रिकवरी फ़ोन में जाते हो ना, उस तरह से आप देख सकते हो रिकवरी मोड में जाकर। और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं, आप देख लो। A02S है, A23 है, सैमसंग Note 10 Plus है। चलिए मैं आपको इसको अनलॉक टूल में आपको दिखाता हूँ, ठीक है। बहुत सारे न्यू मॉडल्स एडेड हैं। ये देखो, सैमसंग A05S न्यू मॉडल है, इसका आप bit 1 कर सकते हो। अब मॉडल नंबर आप ध्यान से देख लेना, A057F ये होगा तभी इसका FRP होगा, bit 1 का सिर्फ, ठीक है। bit 2 भी कर सकते हो, ये देखो नीचे दिया हुआ है A057F, ठीक है। bit 1 bit 2 ये दोनों का FRP आपका हो जाएगा A05S। अगर दूसरे बिट वर्जन का है तो ये नहीं होगा। ये देखो, मैंने आपको बताया ना A20S अपडेट आ गया, bit 1 to bit 5। याद रखिएगा, ये मॉडल नंबर मैच करना ज़रूरी है, A207F, ठीक है, ये मैच करना ज़रूरी है। क्योंकि बहुत बार किन्हीं को पता नहीं होता, वो अपना मॉडल नंबर A20S समझ के FRP कर रहे होते हैं और FRP बाईपास नहीं होता तो सोचता कि इससे नहीं आ रहा, एरर हो रहा, तो ऑनलाइन करा लेते हैं। ऑनलाइन कराने से पहले आप सही से नॉलेज से चेक कर लो कि आपका मॉडल सपोर्टेड है कि नहीं है। इस तरह से रिकवरी में जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और जिन लोगों को बिट वर्ज़न चेक करना नहीं आता, मतलब बिट वर्ज़न समझ नहीं आता, वो भी मैं समझा दूँगा बिट वर्ज़न क्या होता है और कैसे चेक करते हैं, ठीक है। आप वीडियो पूरा देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये सैमसंग गैलेक्सी A23 bit 4 सपोर्टेड है। इसका एक बार ये देख लो, A235M, ठीक है। और नीचे देखो A235F, ठीक है, अलग अलग सब है। ये देखो, उसका bit 4 सपोर्टेड है, इसका bit 5 सपोर्टेड है, इसका bit 4 सपोर्टेड है। 5G है, ये 4G है, ठीक है। अलग अलग मॉडल नंबर है, आप ये वाला मैच कर लेना, बहुत ज़रूरी है, A235F, ठीक है। इस तरह से आप रिकवरी में जाके चेक कर लेना, रिकवरी में लिखा हुआ रहता है, ठीक है। और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं जो आप कर सकते हो, हालांकि बस आपको सही नॉलेज होना चाहिए कौन सा आपका सपोर्टेड है। बहुत से ऐसे मॉडल्स हैं जो आपके पास अनलॉक टूल में भी दिया होंगे पर होगा नहीं, क्योंकि उसके बिट वर्जन हो सकता हायर हो या लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट में हो। बहुत कोई लेटेस्ट अपडेट भी सपोर्ट करता है अनलॉक टूल, आप चेक कर लेना आपका जो सपोर्टेड है। उसके बाद अगर ना मिले या फिर किसी टूल में ना मिले, मैं ज़रूरी नहीं बोलता हूँ कि अनलॉक टूल पे ही सिर्फ चेक करो, और भी है प्लेटफॉर्म, किसी पे भी चेक कर सकते हो, मतलब टूल्स पे जाके देख लो। अगर सपोर्टेड है, आप कर सकते हो तो ठीक है, उसके बाद ही ऑनलाइन करा लें, क्योंकि जब फ्री में हो जा रहा है तो हम ऑनलाइन क्यों कराएँ। ऑनलाइन का चार्ज तो अप डाउन होते ही रहता है और कभी कभी बहुत हाई भी हो जाता है, इसलिए पहले आप चेक कर लो अच्छे से कि आपका मॉडल सपोर्टेड है कि नहीं है और ये बिट वर्जन सही है कि नहीं। चलिए मैं आपको बता दूं बिट वर्जन आप किस तरह से चेक करोगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये सैमसंग A13 का बाइनरी है, ठीक है। इसको ओपन करते हैं, ये सैमसंग A13 का फ्लैश फाइल है, ठीक है।
यहाँ पे देखो इसका बिट वर्जन 7 है। अब ये 7 किस तरह से आया, यहाँ पे ध्यान से देखो A135F XXS7, ठीक है। इसका मतलब A135F जो है ये आपका मॉडल नंबर हो गया, ठीक है। उसके बाद XXX स्पेस हो गया और S के बाद जो है वो आपका बाइनरी है, ठीक है। ये इस तरह से सभी मॉडल पे लागू होता है, आप इस तरह से चेक कर सकते हो। मॉडल नंबर के बाद 3 डिजिट के बाद ये बाइनरी रहता है, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी मॉडल का आप चेक कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं आपको एक मॉडल का चेक करा के दिखाता हूँ। मान लो मेरे पास सैमसंग A23 आया, ठीक है। उसका रिकवरी जाके आप चेक कर लो कि ये A235F ही है ना कि नहीं, ठीक है। वहाँ पे आप जाओगे तो फ्लैश फाइल का जो AP वर्ज़न है वो लिखा हुआ रहता है रिकवरी में, ठीक है। किस तरह से रहेगा मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड, ये रहा, ठीक है। ये वाला लिखा हुआ रहेगा ये ऊपर में, और जिस तरह से मैंने बताया कि मॉडल नंबर के 3 डिजिट के बाद आप अपना बाइनरी देख सकते हो, उस हिसाब से आप अपना सर्च कर लेना, ठीक है। चलो अब एक मसला रह गया कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये मॉडल सपोर्टेड है कि नहीं अनलॉक टूल में। या तो आप सीधा अनलॉक टूल ओपन करके सर्च कर लो, या जाके चेक कर लो अनलॉक टूल के वेबसाइट पर, ठीक है। दोनों जगह से आप चेक कर सकते हो। वेबसाइट में आप किस तरह से चेक करो ये देखो, वेबसाइट पे आने पर unlocktool.net पे जाओगे और यहाँ पे सपोर्टेड मॉडल्स पे क्लिक करना है, ठीक है। और जो सभी मॉडल आपको चेक करना है कि सपोर्टेड है कि नहीं उस पे क्लिक करो। सैमसंग का ये देखो पूरा मॉडल आ गया, सैमसंग में सर्च कर लो। मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ A14, ठीक है। ये देखो सैमसंग गैलेक्सी A14 5G, ठीक है। इसका ये मॉडल नंबर सपोर्टेड है, ठीक है। यहाँ पे मीडियाटेक बता रहा है कि मीडियाटेक का सेट है। यहाँ से आप क्या क्या कर सकते हो, फंक्शन भी है, ठीक है। और एक दूसरे मॉडल लेते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं, चलो E23 लेते हैं, ठीक है। इसको सर्च करते हैं, यहाँ पे देखो सैमसंग गैलेक्सी A23 5G, इसका बिट 4 सपोर्टेड है। यहाँ पर मॉडल नंबर आपको लिखा हुआ है, आप रिकवरी में जाके मिला लेना, ठीक है, और बिट भी मिला लेना। उसके बाद यहाँ से आप FRP आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो ये 5G है, ये 4G है, ठीक है। 4G का ये मॉडल नंबर सपोर्टेड है, इसमें बिट का वर्ज़न नहीं दिया हुआ, इसका मतलब आप कर सकते हो कोई भी, बस आपको ये मैच करना चाहिए। यही इम्पोर्टेंट है, ये जो मॉडल नंबर आता है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और बिट वर्ज़न एक देख लेना, बस ये दोनों मिल गया मतलब आपका FRP इसमें हो जाएगा। अगर ये मैच नहीं कर रहा तो आप कोई और टूल से देखो या फिर ऑनलाइन करा लो, ठीक है। ऑनलाइन में चार्ज पड़ जाएगा आपको, जिस हिसाब से अप डाउन होते रहता है, पता कर लेना कितना चार्ज है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आज के लिए इतना ही।